किसी को न बताना। गुड़सुंदर नाम का दरबारी तेनालीराम से बहुत नाराज था। हंसी हंसी में तेनालीराम ने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो उसे बुरी लग गई थी। मन ही मन वो तेनालीराम से बदला लेने की योजना बनाया करता था, क्योंकि राजगुरु भी तेनालीराम से नाराज रहता था, इसलिए राजगुरु और गुड़सुंदर में दोस्ती हो गई। गुड़सुंदर को ये बात बुरी लगती थी कि राजा हर समय तेनालीराम की प्रशंसा किया करते थे। वो राजा को भी बुरा भला कहता था। तेनालीराम को इसका पता था। एक बार सुंदर और राजगुरु दोनों ने मिलकर राजा से तेनालीराम की बहुत बुराई की और कहा, महाराज तेनालीराम पीठ पीछे आपकी बुराई करने से नहीं चूकता। महाराज को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने तेनालीराम से पूछा, क्या तुम सचमुच मेरे लिए गलत शब्द कहा करते हो? तेनालीराम सारी बात समझ गया और बोला, महाराज आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको आज रात दूंगा, पर आपको मेरे साथ चलना होगा। अंधेरा होने पर तेनालीराम राजा को लेकर राजगुरु के घर के पिछवाड़े पहुंचा और दोनों खिड़की के पास खड़े हो गए। अंदर राजगुरु और गुड़सुंदर बातें कर रहे थे। हमारे महाराज भी बस कानों के कच्चे हैं। अब तक तेनालीराम जो कहता रहा वो उसे सच मानते रहे। आज हम दोनों ने जो कहा वो सच मान लिया, कहकर गुड़सुंदर हंस पड़ा। उसने राजा को लेकर और भी उल्टी सीधी बातें की। राजगुरु कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने अपने दोस्त की बातें काटी भी नहीं। राजा ने अपने कानों से सब सुना। तब तेनालीराम बोला, महाराज अब तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया। हाँ तेनालीराम, पर राजगुरु के लिए हमारे मन में अब भी सम्मान है। लगता है तुमसे ईर्ष्या के कारण राजगुरु भटक गए हैं और गलत आदमी की दोस्ती में फंस गए। जैसे भी हो, तुम्हें इस गुड़सुंदर के जाल से राजगुरु को निकालना होगा। राजा बोले तो तेनालीराम ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा। कुछ दिन बाद तेनालीराम ने एक दावत दी। उसमें राजा कृष्णदेव राय भी पधारे, सभी दरबारी भी थे और राजगुरु और गुड़सुंदर भी थे। तेनालीराम ने राजगुरु की विशेष आवभगत की। बड़ी देर तक गपशप चलती रही। एकाएक तेनालीराम ने अपना मुंह गुड़सुंदर के कान के पास ले जाकर कुछ कहा। उस समय तेनालीराम की निगाह राजगुरु पर टिकी थी। जो तेनालीराम ने कहा वो गुड़सुंदर की समझ में ना आया, क्योंकि तेनालीराम ने यूं ही कुछ ऊट पटांग शब्द कहे थे। फिर जरा जोर से कहा, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है किसी को बताना नहीं। राजगुरु ने तेनालीराम को गुड़सुंदर के कान में बातें करते देखकर समझा कि अवश्य ही उसके विषय में कोई बात कही है। राजगुरु ने गुड़सुंदर से पूछा, क्या कह रहा था तेनालीराम? कुछ नहीं, मेरे कान में उसने कुछ कहा तो, परंतु मेरी समझ में न आया कि उसने क्या कहा है, गुड़सुंदर ने कंधे उचका कर कहा। राजगुरु ने सोचा, गुड़सुंदर मुझसे असली बात छुपा रहा है, दोस्त होकर भी वो ऐसा करे तो वो दोस्ती किस काम की? अवश्य ही तेनालीराम और मेरा ये मजाक उड़ा रहे होंगे। मैं तो समझता था कि गुड़सुंदर मेरा दोस्त है। उसके बाद राजगुरु ने गुड़सुंदर से बातें करना और मिलना जुलना बंद कर दिया। दोनों की दोस्ती कुछ ही दिनों में बीती हुई कहानी बनकर रह गई। राजा ने तेनालीराम से कहा, सचमुच मुश्किलों को सुलझाने में तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। ऐसा काम किया है तुमने कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी।